इस दुनिया में हर इंसान की इच्छा होती है और वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक भी जा सकता है। इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, लेकिन किसी भी स्थिति में व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर पूरा करना होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर देते हैं, यहाँ तक कि वो अपने घर के गहने, चीज सामान और अपने घर तक को भी गिरवी रख देते हैं। और बाद में ऐसी स्थिति आ जाती है कि बहुत से लोग कर्ज के बोझ से अपने घर तक को छोड़ देते हैं। अगर देखा जाए तो कर्ज से बड़ा दुख और कुछ भी नहीं होता है। अगर आप भी कर्ज के बोझ का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां पैदा हो रही हैं, तो आज हम आपको ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको करके आप 2 से 10 दिन के भीतर लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हमें लाभ प्राप्त होगा। शायद आपको ये बात झूठी भी लग सकती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप इसका लाभ पाना चाहते हैं तो आज हम आपको ऐसे ही 6 उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आप जरूर कीजिएगा। इससे आपको अपने कर्जे से छुटकारा पाने में सहायता मिलेगी। तो अब हम आपको बताते हैं कि वो 6 उपाय कौन से हैं। पहला, अगर आप पक्षियों को दाना डालते हैं तो इससे जिंदगी की सारी खुशियां मिलती हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको बता दें कि आप पक्षियों को हर मंगलवार और शनिवार को दाना डालें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा और आप इसके प्रभाव कुछ ही दिनों में भी देख सकते हैं। दूसरा, वहीं दूसरा उपाय ये है कि अगर आप चींटियों को खाना खिलाते हैं तो आपको अपने जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है जिसकी आपको जरूरत है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको जल्द से जल्द कर्ज से छुटकारा मिलेगा। तीसरा, अगर आप हर मंगलवार को बंदरों को मीठा और चना खिलाते हैं तो इससे हनुमान जी की बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं और कष्टों को भी दूर करते हैं। चौथा, आपको बता दें कि अगर आप कुत्ते को मीठे बिस्किट खिलाते हैं तो आपको अपने कर्जों से छुटकारा मिलने के साथ ही साथ आपके घर में भी किसी प्रकार का वाद विवाद और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती है और घर में ये सारी चीज़ें भी खत्म हो जाती हैं। पांचवा, आपको बता दें कि गाय में सारे देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इसको माता का दर्जा भी दिया गया है। अगर आप घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा और धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। छठा, अगर वहीं आपको किसी बात का डर सताता है या फिर आपको किसी प्रकार की कोई चिंता सता रही है तो इस परिस्थिति में बेसन के 5 लड्डू लेकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार कर किसी भी काली गाय को खिला दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको अपने कर्ज से छुटकारा मिलने के साथ साथ आपके सारे पाप भी खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।